आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि सीक्वेंस या सीरीज का क्वेश्चन है। इफ सम ऑफ सीरीज सिग्मा n इक्वल्स टू 1 से n तक सेकंड इनवर्स ऑफ रूट ओवर मॉड एक्स प्लस कोसेकंड इनवर्स ऑफ रूट ओवर मॉड एक्स बाय पाई ए होल पावर n। सो ये तो फाइनाइट है और मॉड एक्स तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है और a का वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है। देन वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस सीरीज। ओके दोस्तों, तो आप देखो दोस्तों, हमको ये पता है कि सेकेंड इनवर्स एक्स प्लस कोसेकेंड इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होता है, पाई बाय टू होता है फॉर एनी वैल्यूज ऑफ एक्स। ये तो हमको पता है। सो इसका वैल्यू क्या होता है, पाई बाय टू पर पाई। सो हमारा रिक्वायर्ड क्या होता है, रिक्वायर्ड इक्वल्स टू सिग्मा एन इक्वल्स टू 1 से एन तक, इसका वैल्यू तो पाई बाय टू है बाई पाई ए। सो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 1 बाई टू ए होल पार एन। सिग्मा तो है इक्वल्स टू 1 से एन तक। ओके दोस्तों, तो ए क्या होता है, 1 बाई टू ए प्लस दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई टू ए प्लस 1 बाई टू ए होल स्क्वायर प्लस 1 बाई टू ए होल क्यूब प्लस सो ऑन, है ना दोस्तों। तो ये तो जीपी है ना, जीपी का सीरीज। तो यह ए क्या होता है, 1 बाई टू ए होता है, आर क्या होता है, 1 बाई टू ए है। ओके दोस्तों, ये तो हमको पता है ना। तो रिक्वायर्ड वैल्यू क्या होता है, यह रिक्वायर्ड इक्वल्स टू ए इंटू आर पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1, बिकॉज दिस इज अ सम ऑफ एन टर्म्स इन जीपी। तो इसका वैल्यू क्या होता है, ए इंटू आर पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1। तो यह ए क्या है, 1 बाई टू ए इंटू 1 बाई टू ए होल पावर एन माइनस 1 बाई, इसका वैल्यू क्या होता है, आर माइनस 1, दैट इज 1 बाई टू ए माइनस 1। ओके दोस्तों, ये तो क्लियर है ना। तो इसका वैल्यू क्या होता है, 2 ए टू ए, यह एलसीएम ले लिया तो 1 माइनस 2 ए होल पावर एन बाई 1 माइनस 2 ए होल पावर एन बाई 2 ए पावर एन इंटू 1 बाई टू ए बाई 1 माइनस 2 ए बाई 2 ए होता है ना इसका वैल्यू। सो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 माइनस 2 ए होल पावर एन बाई 2 ए होल पावर एन इंटू 1 माइनस 2 ए। ओके दोस्तों, ये होता है हमारा वैल्यू। तो अब ये देखो दोस्तों, ओके दोस्तों, तो ये वैल्यू तो हमारा सीरीज है, सम ऑफ सीरीज तो इस वैल्यू होता है ना। तो अब देखो दोस्तों, इफ ए लाइज बिटवीन 0 से 1 बाई टू तक हो तो दैट इज देन 2 ए लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो 2 ए होल पावर एन का वैल्यू क्या होता है, इफ एन टेंड्स टू 0, सॉरी इफ एन टेंड्स टू इंफिनिटी 2 ए होल पावर एन, इसका वैल्यू तो टेंड्स टू 0 है ना दोस्तों। ये तो हमको पता है ना, इफ 2a lies between 0 and 1 and n tends to infinity, 2a whole power n का वैल्यू क्या होता है, tends to 0 होता है। तो इसका वैल्यू tends to 0 हो तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, 1 by 0 into some value, 1 by 0 का मतलब क्या होता है, infinite होता है। तो if our a lies between 0 and 1 by 2, required value will be infinite हो जाएगा ना, because if n tends to infinity। ओके दोस्तों, ये तो एक केस है। दूसरा केस क्या होता है, a greater than 1 by 2, a greater than 1 by 2 हो गया तो 2a whole power n तो एक पॉजिटिव वैल्यू है ना दोस्तों। 1 minus 2a क्या होता है, 2 into some value greater than 1 by 2, तो some 1 ले लो, 1 minus 2, 1 minus 2 है ना, ये तो नेगेटिव वैल्यू आ रहा है ना, इसका वैल्यू तो नेगेटिव है। तो 1 माइनस 2 ए होल पावर एन का वैल्यू क्या होता है, तो हमको ये पता है कि 1 माइनस 2 ए का वैल्यू क्या होता है, 2 ए होल पावर एन, एन तो 1 से एन तक होता है ना। सो ये तो सम इंटीजर है, 2 ए का वैल्यू तो 2 इंटू सम वैल्यू, उसका स्क्वायर और क्यूब
किसी पावर ले लो, वन माइनस उसका वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव ही होता है ना, अदर देन वन, वन हो गया तो इसका वैल्यू तो जीरो हो जाएगा। दैट इज इफ एन इक्वल्स टू वन हो गया तो एन इक्वल्स टू वन या ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आएगा, ये तो ग्रेटर देन वन है, इसका वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा। यस एन इक्वल्स टू वन, रिक्वायर्ड वैल्यू क्या होता है, 1/2 a है ना, बिकॉज ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और 1/2 a का मतलब क्या होता है, ए तो ग्रेटर देन 1/2 है ना, तो इसका वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन वन होता है इसका वैल्यू। ये तो एक केस है, ए ग्रेटर देन 1/2, 1 - 2 a होल पावर एन का वैल्यू भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव बाई ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, 2 a होल पावर एन इंटू 1 - 2 a का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, बिकॉज नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू इंटू नेगेटिव वैल्यू, उसका वैल्यू तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव बाय नेगेटिव, रिक्वायर्ड क्या होता है, नेगेटिव बाय नेगेटिव, उसका वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा ना, बिकॉज 1 - 2 a होल पावर एन बाई 2 a इसका वैल्यू है ना, 2 a पावर एन इंटू 1 - 2 a, नेगेटिव बाय नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव का वैल्यू है। सो रेंज क्या होता है, रेंज इज 1 से इन्फिनिट तक है ना, तो ओपन ब्रैकेट आएगा इन्फिनिट पर, तो हमारा रेंज क्या होता है, 1 से इन्फिनिट तक होता है इफ ए इज ग्रेटर देन 1/2। ए तो 0 से 1/2 तक हो तो का वैल्यू डायरेक्टली इन्फिनिट हो जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो हमारा रेंज क्या होता है, 1, इन्फिनिटी। ओके दोस्तों, तो ए दोनों भी सेम है ना, इफ एन इक्वल्स टू 1 भी 1/2 a हो गया और इसका वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 है, इफ ए इज ग्रेटर देन 1/2 एंड एन इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, इसका वैल्यू भी 1, इन्फिनिटी है, तो ए है हमारा रिक्वायर्ड रेंज दोस्तों। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।